मौसिस खातून आज़ाद, थैंक यू वेरी मच। आपने पहला शो हमारा नहीं देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें अप्रिसिएशन मिली हमें गालियों की सूरत में, लेकिन देखिए बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, आपकी चाहतों का, आपके आपकी पुरस्कार आपकी नफरतों का, आपकी नफरत क्योंकि जो लोग नफरत करते हैं उससे हम सीखते हैं। सीखते बात भी है कि जब हमारी कोई बुराई करता है ना, आप यकीन करें ऐसा लगता है कि हमारा नशा उन पे धीरे धीरे चढ़ रहा है। ये तो एक मजाक की बात, आपके तरफ चढ़ने पीछे रहे। हाँ, ये तो एक मजाक की बात थी। और उज़्मी साहब, ये आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको खुशामदीद है बरकत उज़्मी शो में। पहला शो आपने जिस तरह आपने माशाल्लाह पूरा नहीं देख पाए, टुकड़ों टुकड़ों में देखा आगे बढ़ बढ़ के, तो लेकिन मेरी दुआ ये शो आप देखिएगा। हमारी कोशिश है कि अच्छे से अच्छे सेलिब्रिटीज, जो हम नामवर सेलिब्रिटीज अपने अपने शोबे में महारत रखते हैं, चाहे वो किसी भी हवाले से हो या हवालात में हो या कहीं भी, उनसे उनको अंदर बाहर लाएंगे। अगर वो इस शो में आएंगे और जो बातें हम कर रहे हैं उसका उन्होंने सही सही जवाब दिया तो हवालात वाली बात आप ठीक। हाँ, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हमारी हुकूमत ने मर्द और औरत के हुकूक बराबर कर दिए। कैसे? औरतों को प्याज काटते वक्त रोना आता है और मर्दों को प्याज खरीदते वक्त रोना आता है। हमारे मुल्क में गरीब आदमी को सर छुपाने की जगह नहीं मिलती और अमीर आदमी को अहसास है। आपको पता है औरत क्या चाहती है? क्या चाहती है? औरत चाहती है कि बड़े बड़े ब्रांड पे 70% ऑफ सेल लगे और दूसरी औरत को पता ना चले। मैं देखिए बात कहना चाहता हूँ, देखिए सिचुएशन ऐसी है कि इंसान को जो है ना हमेशा सोच समझ के बात करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी छोटे लफ्ज जो है इंसान को गुलाम बना देते हैं, जैसे कि कबूले कबूले। आजकल यार अजीब अजीब बीमारियां भी हो गई ना, जोड़ों में दर्द होता है। अब मेरी बीवी को भी जोड़ों का दर्द था। अच्छा। बेचारी बहुत तकलीफ में थी। अच्छा। फिर मैं उसे शॉपिंग सेंटर लेके गया, 3-4 जोड़े दिलवाए, फिर ठीक हुई। मियां बीवी का देखो ये तो रिलेशन होना चाहिए, झगड़ा होना चाहिए, झगड़े से मजबूत होते हैं रिश्ते। अबे झगड़े होते हैं, मेरी बीवी मुझसे झगड़ा करती रहती है। क्या? अरे मेरा उससे झगड़ा हो गया, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ खुदकुशी करने के लिए। कहेंगे 2-3 सफेद सूट दिलवा दें, इद्दत के दिनों में क्या पहनूंगी। वाह वाह वाह, गंजे आदमी की भी क्या जिंदगी। गंजे आदमी आ रहा हो ऐसा लगता है जा रहा है। और गंजा आदमी तो ये भी नहीं कह सकता कि बाल धूप में सफेद नहीं किया है, क्योंकि फिर लोग उससे सवाल करेंगे जो सफेद किए वो कहाँ रखे। और गंजा आदमी सो रहा हो ना ऐसा लगता है बच्चा उल्टा सो रहा है। वाह वाह। हाँ, लेकिन हो सकता है वो बच्चे को उल्टा किया गया हो, बेटा तुम उल्टे हो तो हम सीधे होंगे। अभी अच्छा वैसे बिस्तर में बैठ के खाना नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, बिस्तर पे केचप गिर जाता है भाई। जो जगह जो एनवायरनमेंट है बातें करने की, ये बच्चों की बातें अजीब अजीब। मैंने अपने बच्चे से कहा, मैंने कहा बेटा सामने वाली लुबना को देख, क्लास में फर्स्ट आई है। कह रहा उसी को देख देख के तो फेल हुआ हूं। बच्चे इतने कोई बच्चे बच्चों से आप नहीं बच सकते। उनको उनको आजकल का जो बच्चा है वो अंदर से 40 साल का है, वो डबल सिम लेके पैदा हुआ है। अच्छा? तो बच्चों से आप उलझ नहीं सकते। आप देखो बच्चों के करेक्टर अलग है, लेकिन अबू के पास सिंगल सिम थी। लेकिन बच्चा डबल सिम लेके पैदा हुआ। यार बच्चों की सूरत हाल ऐसी हो गई। देखिए मैं उनके हवाले से बात करूं, लोड शेडिंग इतनी हो गई, आप यकीन करो अब तो बुजुर्ग भी ये मिसाल देते हैं, ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए, लोड शेडिंग की वजह से हुए। अरे यार हमारी को-होस्ट भी तो है। अरे को-होस्ट को तो बुलाना बहुत जरूरी है, आगे बढ़े और मैं भी आगे बढ़ू इनके साथ। बहुत अच्छी अपीयरेंस है, बहुत अच्छी ड्रेसिंग है, हाउ टू टॉक, हाउ टू मॉडल है, मॉडल है, इसलिए मैंने कहा बहुत अच्छी। प्लीज वेलकम सारा। आपने तो कहा आप सिंगल है। नहीं तो मैं डबल होना चाहता हूँ। और मेरे पास डबल बेड है क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। तो हमारे डबल बेड किस काम का, उसमें क्या बजरी का ट्रक बजरी गिरेगी। मैं अरेंज कर दूंगा, अरेंज कर देंगे। देखिए बात पता है क्या, सिंगल होने का दुख आप समझ नहीं सकती। सिंगल होने का दुख सबसे बड़ा दुख क्या है, सुबह सुबह उठ के नहाना है? वो भी अकेले। लेकिन बात कर रहा हूँ, पानी भी तो नहीं आ रहा, पानी भी नहीं आ रहा, पानी डबल होने के दुख ज्यादा है वो। हाँ ये तो आप बताएंगे। वो जो लड़कियों को अच्छा, तो खाना बनाओ, ये करो वो करो, तो हमारे डबल सिंगल का इन्हें पता है। और इन्हें ये भी पता है ये करो वो करो। हाँ। कहा अच्छा शादी जब हो जाएगी तो सास बहू के जो रिलेशन होगा उसको कैसे मैनेज करेंगे, जरा उसके बारे में कुछ बताए ना। तो सास को माँ समझ लेंगे, सास को माँ समझ लेंगे और शौहर को भाई। हाँ नहीं नहीं वो पॉसिबल नहीं। अच्छा किस तरह का लड़का पसंद है, मतलब लंबे बाल वाला, बगैर बाल वाला, छोटे कद का हो लेकिन लंबे साइज का हो। हाँ बाल का, बाल की वजह से लंबा। अच्छा हो, केयरिंग हो, सेंसिबल हो, और अंधा हो, नाबीना हो। नहीं अंधा नाबीना टटोल के प्यार करना नहीं, टटोल के बिना अच्छा बाहर ही रहता है। ठीक है इसको बाहर रहिए। अच्छा अगर सिचुएशन पता है क्या, मैं आपको देखो मामला कैसे चले ना घरेलू को मामला, अगर आप बात करें जब आपकी शादी होगी, सास होगी, नंदने होंगी, है ना, नंदने नहीं नंदे, नंदे इतनी सारी क्यों होंगी, होंगी 4-5 तो कुछ भी हो सकता है भाई, मार्केट में कुछ भी चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, साथ नंदे भी होती है। हाँ और क्या, साथ नंदे। लड़का किस तरह का और किस 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 ड्यूरेशन में आपको चाहिए, किन हालात में चाहिए? फिलहाल तो मुझे लगता है कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए, लड़का बाद में ढूंढेंगे हम, लड़का बाद में। अब आप देखो एक लड़का कह रहा है बरकत भाई वो मुझे दिल देने के चक्कर में थी और मेरी नजर उसके गुर्दे पे थी।
आप देखो ये लड़कों का आज ये आजकल के लड़के जो है ना इसलिए नहीं चाहिए ना, गुर्दा निकाल के बेच दिया तो आप गुर्दा निकालने नहीं देना, हाथ डालने नहीं देना, मतलब ये गुर्दा नहीं है, मैं मना कर रहा हूँ। आज के लड़के फरमाइशें कर देते हैं, फरमाइशें कर देते हैं, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिसकी सारी ख्वाहिशें दम तोड़ चुकी हो, जो दुनिया से हार चुकी हो बिल्कुल, उसकी किडनी बेच के आईफोन लेना है। आईफोन किडनी बेचने के बाद ही आता है वैसे, है ना। हाँ। तो अब ये तो इसने किडनी की बात की। बरकत साहब हमारे साथ, जो आपने इतनी तारीफों के पुल पहाड़ बांधे हैं वो बिल्कुल सही बांधे, बिल्कुल, क्योंकि हम भी इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हम दोनों ही बल्कि, और हम जो प्राइवेट शोज करते हैं, कॉर्पोरेट शोज करते हैं, वो भी हमसे करवाती है, बहुत जबरदस्त ऑर्गेनाइजर भी है आपको मैं बताऊं, ये सारी खुसूसियात हैं। मुझे लगता है इनके दिमाग का जब आप सिटी स्कैन करेंगे कम से कम 4 से 6 दिमाग निकलेंगे, इतनी ज़हीन खातून है माशाल्लाह। और दिमाग में जो चीजें भरी हुई हैं बिल्कुल, वो अभी तक सबने निकाली नहीं है, डिस्कवर नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अगर चैनल वाले उसको डिस्कवर कर लें क्या बात, तो आप लोगों को बहुत सारे लवाजमात मिल जाएंगे। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ ले आई है डॉक्टर राफिया रफीक। उसको भरपूर तरीके से कोशिश कर रही हूँ करने की, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। क्या चीज? तो आप ट्राई करवाएंगे? भरपूर तरीके से। अच्छा दिमाग ट्राई कर सकते हैं, तो वो पहले दिमाग आपको दिखाना पड़ेगा। नहीं ऐसा थोड़ी देख के, महसूस कीजिए, महसूस। हाँ महसूस, दिमाग को कैसे महसूस करते हैं? मेरी बातों से। अच्छा आपकी बातों से, बाकी चीजें तो महसूस की हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये क्या दिमाग पहली दफा महसूस हो? क्या बात है, क्या बात, आपने कभी दिमाग महसूस किया? नहीं मैं आज महसूस करूंगा। फिर पहले पहले सबसे पहले बताएं डॉक्टर क्यों बनी आप? मामा की वजह से। मामा की वजह से? हाँ। क्यों? वो चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं। और डेंटिस्ट हैं आप? डेंटिस्ट। हाँ। तो उनके दांतों में कुछ प्रॉब्लम थी मामा के? नहीं वो एक्चुअली मेरा खानदान पूरा डॉक्टर डेंटिस्ट है, तो वो चाहती थी कि मेरे बच्चे भी डॉक्टर डेंटिस्ट बने। अच्छा आप डेंटिस्ट हैं, मुझे एक बात बताइए, ये जानवरों के दांतों में कीड़ा क्यों नहीं लगता, वो तो ब्रश भी नहीं करते। गुड क्वेश्चन, वो मीठा नहीं खाते। आपकी बिल्ली को मीठा देता कौन है? को गुलाब जामुन बहुत पसंद है। अच्छा आपकी बिल्ली को? अरे कहीं वो बिल्ला तो नहीं है? नहीं बिल्ली है। अरे बिल्ली है, बिल्ली है, नाम है, हो सकता है वो कुत्ता नाम बिल्ली रखा हो आपने। देख रहे हो गुलाब जामुन खा के खाने के बाद कुत्ता हो गया। हाँ ये भी हो। अच्छा आई लाइक दैट। नहीं नहीं खाते, बाकी जानवर भी खाते हैं यार, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। हाँ बकरियां बकरे भी खाते हैं मीठा, आपको पता होगा, बहुत क्लोज है उनके फैमिली, अभी भी क्लोज ही। मतलब अगर कोई इशू हो तो आपके पास ले आए ना। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा रजवी एक बार आप एक बात बताइए, दिल पे रखने वाला पत्थर कहाँ से मिलेगा, हमारी कौम को रखना है? वो अभी तक बना नहीं है, वैसे मैं एक बात बताऊँ, सबने रखा हुआ है। हाँ, रखा हुआ है, नजर नहीं आता वो, लेकिन रखा हुआ सब। अच्छा आपने बहुत सारी मेडिसिन लोगों को लिख के दी होगी, कौन सी ऐसी गोली है जो आपको अच्छी लगती है? नींद की होगी मेरा ख्याल, जो मैं देती हूँ। नहीं आपको जो गोली कौन सी अच्छी लगती है? यार ये गोली बड़ी प्यारी है, बिना वजह भी खा लो। नहीं एक गोली जो मैं सबको देती हूँ जो मुझे बड़ी पसंद है, वो गोली है कि अपॉइंटमेंट्स बहुत है, टाइम नहीं है आज। वाह वाह। अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहब, ये दर्द की गोलियों को पता कैसे चल जाता है कि कहाँ दर्द है? डायरेक्ट वहीं जाते हैं? हाँ ना, हम हाँ पता क्या करते हैं, हम पहले खाने से पहले उनको बताते हैं, किडनी पे जाना, दांत पे जाना, दिमाग में जाना, और वो कह रहे आज मैंने नहीं जाना, आज आपके यहाँ जाना। ज्यादा सवाल ज्यादा जवाब। अच्छा कहते हैं जिंदगी 4 दिन की, राफिया जी कहते हैं जिंदगी 4 दिन, लेकिन हमारी जिंदगी में तो हर हफ्ते 7 दिन आते हैं, ये क्या चक्कर है? हाँ ये सोचने वाली, वैसे उसको ढूंढो जिसने कहा है जिंदगी 4 दिन की। किसने कहा है जिंदगी 4 दिन की? एक दोस्त उसने कहा था। हाँ। वो नाइट शो करती है, वो गाती है गजल महफिल करती है, मैरिट होटल में बैठ गजल गाती है। कहा था जिंदगी 4 दिन। मैं बताऊँ क्यों कहा था, क्योंकि वो सिर्फ 4 दिन जागी रही होगी बाकी। अच्छा राफिया कभी आपने किसी को कहा होगा यार मुझसे बदतमीजी मत करना वरना मैं इंजेक्शन लगा के तो मैं दलील कर दूंगी? नहीं मैं ये वाली तड़ी नहीं लगाती, मैं पता है कौन सी तड़ी लगाती हूँ, मुझसे बदतमीजी नहीं करना, मैं दांत तोड़ देती हूँ। अगर किसी का गुस्सा आया हो आपको और आपने उसको इंजेक्शन लगा दिया, वैसे कभी हुआ? नहीं नहीं मुझे नहीं लगवाना। अच्छा इनकी हाइट के हिसाब से कौन सा इंजेक्शन इनको सूट करेगा? इनकी हाइट घोड़े का। शुक्र है आपने गधे का नहीं बोला। अच्छा नहीं लगता ना होना, कह देती। हाँ इंजेक्शन सूट करेगा, इंजेक्शन बी, इंजेक्शन फॉर बैक्टीरिया, और सी 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 फॉर कुत्ता। कुत्ता यूं खड़ा हुआ कौन सी चीज है? बताइए एक सवाल है मेरा, तो मैं बेकार की बात है, ये बताइए घर में बेइज्जत होने के बाद कौन सी कोल्ड ड्रिंक पीनी चाहिए, क्योंकि आप डॉक्टर हैं। घर में बेइज्जत होने के बाद बेइज्जती हजम हो जाए। कोई भी सबर का फल खा लेना चाहिए, वो कोई कोल्ड ड्रिंक काम नहीं करेगी, सबर का फल काम करता है बस। अच्छा ये जो इज्जत हाँ, का सवाल होता हाँ, है उसके कितने नंबर होते हैं? इज्जत का सवाल के नंबर हाँ, I think इसके कोई नंबर नहीं होते हैं। आप कितनी भी अपनी इज्जत करा लें, एक पॉइंट पे आके आप इज्जत तो फेल ही जाते हैं। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, खुदा को हाजिर नाजिर जान के बताइएगा, कभी कोई पेशेंट कोई मरीज आपको पसंद आया?
आपने दो आधे घंटे में ठीक कर सकती थी लेकिन आपने डेढ़ महीना ले लिया। आप आते रही डेली तीन टाइम, आप उसके दांत निकाल लिए, दिल निकाला। मैडम आप ये दांत वो दांत निकाले जहाँ दांत में कीड़ा है। देखिए वो तब हो सकता है जब उसको भी मैं पसंद आ, लेकिन आया तो ना आपको। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया कि आधे घंटे का काम ढाई महीने में किया, ऐसा कभी नहीं। महीने में नहीं, ऐसा नहीं, पूरा साल लगाया आप। अच्छा ये बस एक कीड़ा जो है वो पहले होता था दांतों में, अब तो दांतों में नहीं होता, दाढ़ में होता है ज्यादातर। ये दाढ़ में ज्यादा होता है कीड़ा या दांत में ज्यादा होता है? मतलब दाढ़ भी दांत की एक टाइप है। हाँ। और कीड़े की मर्जी है, वो आगे बैठे पीछे बैठे, कीड़े की मर्जी है। पाकिस्तान से अगर वन साइड लवर को इकट्ठा किया जाए तो एक नया पाकिस्तान बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है, कम्प्लीटली बन सकता है। मुझे लगता है 95% पाकिस्तान इज वन साइड लव। हाँ ये है, मोहब्बत का चक्कर ज्यादा है, बहुत बहुत है। हमारे हमारे ड्रामों ने भी तो दिमाग खराब कर रखा है। ये सबसे अच्छी बात की ना, तो ये बात मानती हैं आप? इस बात को कहते हैं जोड़े आसमानों पर बनते हैं लेकिन पकड़े पार्क में जाते हैं और जलील नीचे आके होते हैं। वो उसी वैसे तो होते हैं जब पकड़े जाते हैं। बिल्कुल आप बनते होंगे आसमानों में, हम तो पार्क में देखते हैं। आप पार्क में देखती भी जाती हैं कभी? दिल करता है कि मैंने बहुत बार देखती हूँ। एक दफा तो मैं मजे की बात बताऊँ, मैं पार्क में से वॉक कर रही थी और वो कपल बैठा हुआ था बहुत देर से। अच्छा, तो बैठा भी था। मैंने पता है पास से गुजरते हुए उस लड़के को कहा आज ये नई वाली के साथ है। बस थोड़ी देर में देखा उनकी लड़ाई शुरू हो गई। आपको तो ये कहना चाहिए आप इसके साथ क्यों, मेरे साथ क्यों नहीं? मैं ऐसे करना चाह रही हूं। की बात है, कहां होता है ये? मेरे घर के सामने पार्क है। आपके घर का चक्कर लगाना पड़ेगा, मतलब पार्क का चक्कर लगाना पड़ेगा। अच्छा, मैंने सच्ची में मजाक में किया था लेकिन उनकी वाकई में लड़ाई शुरू हो गई। अच्छा अच्छा, आप कभी किसी मरीज से झगड़ा हुआ आपका? नहीं। कभी कोई बदतमीज किस्म का आपके पास आ जाए? नहीं नहीं नहीं, देखिए हमारे प्रोफेशन में झगड़ा नहीं करते, हम प्यार से समझा देते हैं और बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। और अच्छा, वो अंदर का रास्ता देखना चाहता हूँ फिर। मतलब कि क्लिनिक कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। हाँ, ये उसमें कितने कमरे हैं? नहीं, उसको आता ना मरीज और डॉक्टर की अंडरस्टैंडिंग ऐसी होती है। बात देखिए, मरीज कह रहा है डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मेरा पहला ऑपरेशन, मैं पुष्ट हो जाऊंगा ना? डॉक्टर साहब कह रहे बेटा ये देखने के लिए तो ऑपरेशन करो। एग्जैक्टली, है ना? डॉक्टर कहते हैं मेरा भी पहला है। कुछ डॉक्टर को मैंने देखा वो मरीज को ऑपरेशन नहीं करते बल्कि मरीज को सीधा लेटा के उसके लिए दुआ कर रहे होते हैं। इसको ऐसा होता है, मगर मतलब ऐसे मेरे गलत ऑपरेशन थिएटर में घुस गए। नहीं हो सकता है, मैं ये सिनेमा के थिएटर में वही हो सकता है। अच्छा आपको पता है कौन सा थिएटर है जिसमें बंदे से पैसे भी ले लेते और कपड़े भी? कौन सा? ऑपरेशन थिएटर। एग्जैक्टली। अच्छा कभी आप किसी को आते जाते, स्कूल आते जाते, कॉलेज आते जाते देखती हो और अब आपने उसको देखने के 1000 रुपए लिए हो क्योंकि आप डॉक्टर बन गए? हां हां, उसने कहा यार 1000 नहीं ज्यादा लिए थे। मतलब ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं, मतलब बराबर ही बताया ना, कितनी फीस हो सकती है आपकी। बिल्कुल। अच्छा फिल्में वगैरह कौन सी? अच्छा एक सवाल है मेरा, फिल्म हो गया, ये इलेक्ट्रिक एक सवाल है, ये मुझे सवाल काफी अरसे से मेरे दिमाग में। ये इलेक्ट्रिक चेयर पे, ये इलेक्ट्रिक चेयर पे जब पेशेंट को बिजली का झटके देते हैं तो उसका बिजली का बिल पेशेंट पे करता है या डॉक्टर? पेशेंट से पैसे इतने ले लेते हैं कि बिजली का बिल उसमें अकोमोडेट हो जाता है। यस, सारे बिल निकल आते हैं उसमें। गुड, घर का भी बिल निकाल लेते हैं हम उसमें से। अरे डॉक्टर जो चावल खाने से सबसे पहले क्यों मना करता है? ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता, वो चावल से हालांकि खुद खा के बैठा हुआ होता है। हाँ। अच्छा मैंने एक चीज नोटी, डॉक्टरों की सरकारी हॉस्पिटल में मैंने देखा है डॉक्टर्स को कि वो कहते हैं बीबी बैठ जाओ, और अपने क्लिनिक में कह रहे होते हैं मैडम तशरीफ रखिए। तो ये क्या, ये तालीम का फर्क है, फीस का फर्क है, पैसों का फर्क है? पैसों का फर्क है। आप वहाँ 5 रुपए की पर्ची में, वहाँ 5000 की पर्ची में, पैसों का फर्क है। वहाँ पर It's the zeros that count. बहुत से वो 5 रुपए वाली पर्ची वाली आपने बात की ना, उसको देख के कहते थे, समझ जाते कि ये बंदा पैसे वाला है, उसको कहते हैं मेरे क्लिनिक पे आएगा शाम। होता है, होता है, बहुत। और ये भी मैं डॉक्टर को देखा है, मरीज से पूछते हैं सुबह को क्या खाया, दोपहर को क्या खाया, रात को क्या खाया, क्यों पूछते हैं? कैसे मरीज की माली हालत का पता लग जाता है? दोनों भाई 1100 रुपए देकर जाएगा। सब पता चल जाता है कि ये कितना पे कर सकता है, ये खाता क्या है, इसको बीमारी क्या होगी, और मोर देन दैट फीस कितनी दे सकता है। अच्छा। और कुछ डॉक्टर को मैंने देखा है, पता नहीं ये बात सच है कि नहीं, कि मैंने मुझे किसी ने बताया कि कुछ डॉक्टर जो है ना वो बुखार वाले पेशेंट का भी बड़ा ऑपरेशन कर देते हैं कि यार बुखार है अभी, इसको ऑपरेशन लिखती है, छोटी सी बीमारी की बड़ी ट्रीटमेंट लिख देते हैं कि आप यहाँ आए। वो डेंटिस्ट से भी जा रही है। मैं मुझे क्या पता? नहीं, आपका वास्ता तो पड़ता है ना। नहीं, मैं बहुत मासूम हूं। तो आप ऐसा नहीं लिखती कभी भी कि कोई छोटा सा ट्रीटमेंट और आपने इतना लंबा थोड़ा बिल बना के दे दिया। एक दांत का मतलब आपने पूरी दाढ़ चेंज होगी। कह रहे मैडम मैं जेब में अकेले हूं, यही लगा दे। नहीं नहीं नहीं, ये दे दे बताइए, ये मैं मानती हूं होता है लेकिन मैंने नहीं किया। नहीं किया, मानोगे ही नहीं। अरे क्लिनिक में बैठ के मानेंगे नहीं, यानी कि किया हुआ है, किया हुआ है। नहीं किया भाई, कभी नहीं किया। अच्छा क्लिनिक में बैठ के कभी फिल्में वगैरह देखी हैं आप?
टाइम ही नहीं होता क्लिनिक में कौन फिल्में देख सकते नहीं होता कभी कभी मरीज नहीं आते टीवी लगा होता आदमी देख रहा होता एलसीडी लगी भी होती है हाँ वैसे फिल्में देखी है जब सास बहू अंदर आती है तो हमारी पहले आप नहीं आंटी पहले आप नहीं बेटा पहले तुम करा लो नहीं फिर उनके बीच में एक बड़ी लंबी कॉन्वर्सेशन होती है फड्डा भी हो जाता है अक्सर क्लिनिक से बाहर भी चले वो वाली फिल्म देखी है मैंने अच्छा लाइव हुआ ना मूवी देखी मैं आपका गलत दांत निकाल दिया नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं गलत दांत ने वो लेकर ही आती हाथ तुम लोग क्यों मेरे करियर के पीछे पड़े अच्छा रफीक ये कभी सोने की एक्टिंग करके दूसरों की बातें सुनी बिल्कुल अगर कभी हस्बैंड फोन पे बात कर रहा तो मैं प्रिटेंड में सो रही हूँ तुम सब रहे कान मेरे वहीं लगे हुए वो किससे बात कर रहे वो तो फोन पे बात कर रहे होंगे फोन पे लोकेशन समझा रहे हूँ अच्छा मैं बीच में ना एक दो नकली फराटे भी निकाल देती हूँ ताकि उसको लगे पक्का जरूरी है ये है पक्की डॉक्टर है और ये पक्की वाइफ भी है और इनके हस्बैंड भी पक्के और आपका हस्बैंड ये शो देख रहे होंगे आपने सिर्फ सच और झूठ कहना और सच आपने कहा है तो क्यों कहा और झूठ कहा है तो क्यों कहा नहीं पड़ेगी तो पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन जो नहीं है इस वक्त पूछ रहे जी हमारे कोई स्क्रीन नहीं है सारी स्क्रीन हमने ऑफ कर दी है लेकिन हमारी स्क्रीन इसको फास्ट फॉरवर्ड तो नहीं बताना ना मतलब सोच के हम आपसे अभी पूछेंगे आप अगले शो में बताएंगे कभी भी बगैर मेकअप के शादी अटेंड नहीं करती सच वजह देखे ना शादियां हम क्यों अटेंड करते हैं जो लड़कियां होती हैं वो तो उसकी शादी अटेंड कर रही होती है कि बाकी आंटियां देखे अपने बेटे के लिए पसंद करें अब वो अपनी मुंह की शक्ल के साथ चली जाएंगी तो कौन पसंद करेगा ये तो धोखा नहीं है बिल्कुल धोखा है तो मेकअप धोखा है ना और शादी की रात जो मेकअप धुल जाता है वो शादी की रात तो लड़का शादियां टूट जाती है धुलवाता थोड़ी उतारता है मेकअप लड़का हां तो से सब छोड़े मुझे पता है आपको कैसे पिने लाके देता है भाई पलंग टूट जाते हैं ये भी पता है ठक 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 हथौड़ी पान आज पे कारपेंटर से जो पहले बना रहा होता है ना शादी से पहले बनाता है तो ये बताइए ना क्या बात हो रही थी आप इस बारे में क्या नहीं, ये मुझे, सच मैं तो सब बता दूं मेकअप की बात हो रही थी कहां ले गई बात को आप पिंस में क्यों लेकर आए अच्छा अगला सवाल इस पे आप बताइएगा ट्रकों और रक्षों के पीछे लिखी हुई बात अब इंसानों के पीछे लिखने की नौबत आ गई है फासला रखें मुझे लगता है पीछे नहीं यहाँ लिखना चाहिए तो मेरे तो बहुत जगह और भी लिख सकते आप तो आपके पास तो बड़ा लैंडस्केप है आपके पास लेकिन इसमें लॉजिक है ना कि फासला रखें तो ये क्यों लिखना चाहिए क्यों वजह आपके साथ ऐसा क्या हुआ नहीं मेरे साथ नहीं सबके साथ होता है और आई थिंक बताता कोई नहीं है नहीं आप बताएंगे बताते भी है और बताना चाहिए फासला रखना चाहिए हमेशा फासला रखना चाहिए बिकॉज आपको नहीं पता होता कि सामने से जो आपको 2 घंटे के लिए अच्छे हिस्से मिल रहा है 3 घंटे के लिए मिल रहा है वो एक्चुअली में है क्या और आपके लिए सोच क्या रहा है फासला आपको रखना चाहिए में कितना बड़ा सांप है हो सकता है could be you know not necessarily but could be बात हुई ना जमाना अजीब है राफिया जी नाकाम को देखकर हंसता है और कामयाब को देखकर जलता है बात सिर्फ इतनी सी है अगला सवाल ये है कि जो लड़कियां मुंह पे हाथ रख के डीपी लगाती हैं ये वही होती है जिनकी हल्की मूछे होती ये क्या होता है मैं बताऊं क्या मैं बताऊं जब उनको कोई फिल्टर अच्छा नहीं लग रहा होता ना फेस पे तो हम आधा आधा मुंह ढांक के फिर पिक्चर लेते वो ऐसा लगता है अपने आप को लानत दे रही ऐसा क्यों है ये क्यों है यूं लड़के क्यों नहीं लगाते ये तस्वीर नहीं लड़के भी लगाते हैं मैंने देखी लड़के लगाते हैं और रात में लगाते हैं लेकिन उनका हाथ मुंह पे नहीं होता उनका यहाँ होता है सर पे होता है अगला सवाल मेरा मौजूद खातून हजरात आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर जो इस वक्त नहीं है मर्द की पहचान उसकी खूबसूरती से नहीं बल्कि मर्द अपनी दौलत से ही पहचाना जाता है आजकल के जमाने के हिसाब से बिल्कुल सच है हाँ। दौलत होना जरूरी है भाई मुझे लगता है देखिए आपकी शादी ही नहीं होगी अगर आपके पास दौलत नहीं होगी अब कोई भी चाहता है कि उसकी जिंदगी जो है फाइनेंशियली स्टेबल हो थोड़ी सीरियस बात हो गई कॉमेडी शो नहीं बिल्कुल सही है शुरू में लेकिन ऑब्वियसली आई थिंक लड़की के घर वाले और लड़की भी देखती है कि मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ वो मैं अपने तरीके से रह भी पाऊंगी नहीं रह पाऊंगी वो मुझे कैसे रखेगा नहीं तो देखिए इस बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कहते हैं पहले की खवातीन जो पहले की औरतें थी वो रिस्क लेकर आती थी लेकिन आज की खवातीन जो है कुछ खवातीन जो है वो रिस्क देखकर आती है ये रिस्क कौन सा वाला है नहीं रिस्क पैसा अगर शादी के बाद गरीब हो गया फिर हाँ
शादी के बाद गरीब भी तो हो सकता है। ये बाय चांस हो सकता है। अगर आप कसौर गरीब हो गए आप उसको अमीर कर सकते हैं। पहले जमाने में जो है ना, नहीं पहले जमाने में अम्मा अब्बा ज्यादा सेट करते थे, वो ये सब कुछ पहले ही देख लेते। अब जब लड़की देख रही होती ना तो अब वो खुद ये देखना शुरू हो गई है। पहले जमाने में अम्मा अब्बा देखते। वही वाली बात मुझे याद आ गई ना, लड़के ने लड़की से कहा कि अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं तुम्हें घर से उठवा लेता। लड़की ने कहा कि तुम्हारे पास पैसे होते मैं खुद आ जाता। सही बात है, पैसों में बड़ी ताकत, पैसों में बड़ी ताकत है भाई। कैसे कहते हैं पैसा वो वाइट साबुन है जो हर किस्म के दाग को साफ कर दे। बिल्कुल साफ कर देता है ना साबुन। ऐसा साबुन से बाहर आए सवालों पे तवज्जो। अच्छा, खूबसूरत और काबिल लड़की की ज्यादा लड़कियां दोस्त नहीं होती क्योंकि दूसरी लड़कियां उनसे जलती हैं। तुम उसे जलते नहीं? नहीं नहीं बिल्कुल, हम दोनों दोस्त हैं। अच्छा, लड़कियां जल्दी दोस्त तो पहले फैसला कर लो खूबसूरत कौन है। अच्छा, मैंने देखा कुछ मॉडल्स जो इंजेक्शन पर्स में रखती, थोड़ा सा इधर मुंह उधर हो, किसी का ठक लगाए ठक अंदर, ऐसा होता है। एक मॉडल मैंने किसी ने मुझे कहा आपने देखा है तो आपको मॉडल्स नेचुरल ब्यूटी होती है तभी मॉडल्स होती हैं। अच्छा एक मिनट, क्या कह रही हैं? मॉडल नेचुरल ब्यूटी होती है तभी मॉडल होती है। नेचुरल होती है, नेचुरल होती है, नेचुरल मतलब नेचुरली तो बात बिल्कुल बिल्कुल नहीं। आप तो नेचुरल हैं वैसे, ये भी नेचुरल है, हम दोनों नेचुरल हैं। मॉडल तो हो नहीं है, टीज कर रहे हैं आपको। टीज कर रहे हैं। अगला सवाल ये कि पाकिस्तान में फैली हुई खतरनाक बीमारियों में सच्ची मोहब्बत होना पहले नंबर पर है। बिल्कुल सच बात है, फौरन हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है, दो मिनट में सच्ची मोहब्बत हो जाती है। कैसे हो जाती है मुझे समझ नहीं आता। किसी को आपसे हुई, आपको किसी से? हाँ, मेरे साथ तो अक्सर लोगों को सच्ची मोहब्बत हो जाती है। नहीं, हमने देखा भी है बाकायदा भाई, वो आपके पर्स में बैठ रहा था बंदा। बड़ा पड़ता चलो मैडम मैं आ जाऊंगा समझा करें। अरे नहीं भाई नहीं आ सकता, हमने देखा नहीं आपको। मुझे समझ नहीं आता दो मिनट में आपको सच्ची मोहब्बत कैसे हो। मोहब्बत तो है दो मिनट की और क्या। ये तो जब भी ज्यादा बता रहा है टाइम। नहीं मैंने डेढ़ मिनट नहीं, लेकिन कहने का मकसद देखिए मोहब्बत नहीं, जो दिल से दिल को जो होती है ना, जो रूह की जो मोहब्बत होती है। देखिए बात सिर्फ इतनी सी है, मैं एक बात की, इस बात को इस तरह कवर करना चाहता हूँ, अल्लाह करे मैं तौबा कर लूं। देखिए मोहब्बत असल में होती है रूह की, रूह से मोहब्बत है, रूह से मोहब्बत। और साथ सोना जरूरी नहीं है, साथ होना जरूरी है। सही बात है भाई, ये इतनी अच्छी बात की इसने, लेकिन सोना। लेकिन आप किसी की रूह को दो मिनट में नहीं जान सकते। रूह को जानने के लिए ना आपको टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? डिपेंड करता है सामने इंसान में कितनी डेप्थ है, उसकी पर्सनालिटी में कितनी डेप्थ है, उसकी सोच में कितनी डेप्थ है। जो जैसा इंसान होगा उतना टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। सही भाई ने सोने वाली बात की, आप पता नहीं कहाँ चले गए, मैं नहीं जा रही थी। आजकल पता है सोना बहुत महंगा हो गया राफिया, बिल्कुल देख कर सुनिए, चांदी लीजिए। देखिए एक लड़के ने एक बुजुर्ग से पूछा ना कि गर्लफ्रेंड के साथ सोना हलाल है हराम। उन्होंने कहा बेटा बात हलाल हराम की नहीं, तुम लोग सोते कहाँ हो। हाँ ये बड़ा अजीब मिस कंसेप्शन आप इस बात को मानती है, एक लड़की के पढ़ने से सारा घर तालीम याफ्ता हो जाता है, लेकिन उस लड़की के कॉलेज जाने से 40 लड़के फेल हो जाते हैं उसका क्या। हाँ, जो रास्ते पे खड़े होते हैं, अब आएगी अब आएगी। आप लोग की हरकतें ठीक नहीं थी मुझे लगता है। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन नहीं है भाई, जो माहौल को देख रहे हैं उसका। हमने आपके साथ इतना सफर किया है हर तरह से, उर्दू वाला भी हाँ, तो लेकिन बहुत अच्छा आप हर तरह से कह के और पता कर दिया आपको। आपको कैसे लगे यार, मतलब आप इस तरह की बातें कर रही, सही कर रही है बिल्कुल। अगला सवाल ये है कि जो लड़कियां बचपन में खाला की जान होती हैं, वो बड़ी होकर खाला के बेटे की जान बन जाती है। 100% करेक्ट। मैं आप तो लाइव एग्जांपल है इसके। हाँ ना, तो कभी आए ना फिर मैरिज करें, उनका भी करा देना कुछ। आपकी कोई खाला वाला नहीं थी क्या? खाला नहीं। इनके सिर्फ खालू है, फूफो में नहीं है। मामू 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 में कोई नहीं, सब सब की शादियां अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट है। भाई से लानी पड़ेगी कोई रिश्तेदार। मैं लड़के से शादी करूंगा यार, लड़की से तो सब करते हैं। चेंज थोड़ा, चेंज द टॉपिक प्लीज। अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे मौजूद साथियों नजर आ, पाकिस्तान के तो जिन भी ठरकी है सिर्फ लड़कियों पर ही आते हैं। हाँ ये क्या वजह? नहीं, नहीं क्यों, आपने वो किस्सा नहीं सुना उसको परियां उठा के ले गई? किसको? हाँ, परियां उठा के आप जरा सर नॉर्दर्न एरियाज में जाए, अजीब अजीब सी कहानियां सुनने को मिलती है, उसके बेटे को परियां उठा के ले गई। तो बोले हाँ परियां कहाँ है, तो परियां ले गई इसके बेटे को। बेटा काबिल भी नहीं था कि उसकी माँ उसे सुबह में उठाए। आपका चांस है, नॉर्दर्न एरिया। नहीं मैं आपको बताऊँ, ये जो आप देखो ये ठरक जो है ना, ठरक ये एक्चुअली यूनानी जुबान का लफ्ज है और इसके मायने है गौर और फिक्र करने वाला इंसान। हाँ असली में और भाई हमें बसवाया गया आप कैसे अंदाजा लगाएंगे
औरत भी तो ठरकी होती है। देखें, अगर वो मर्द किसी औरत को देखे गौरव फिक्र कर रहा होगा तो मुझे अंदाजा हो जाएगा। मतलब क्या यूं कर रहा होगा? अच्छा, गौरव फिक्र की क्या रेंज क्या है? हाँ, और क्या अरेंजमेंट है? गौरव फिक्र की रेंज बॉडी लैंग्वेज होती है, वो आपको पता चल, आपको पता चल जाता है फॉरन। बॉडी लैंग्वेज क्या मतलब? बॉडी से यूं यूं करके यूं यूं जेब में हाथ डाल के बार बार टेढ़ा मेढ़ा गया। बॉडी लैंग्वेज क्या? ऐसे मासूम बन रहे हैं, जिंदगी में ठरक ही नहीं बने आप। नहीं नहीं नहीं, कभी भी नहीं भाई, हमने ठरक पे हम जाते ही नहीं है डायरेक्ट। सलाम वालेकुम मैडम, हाउ आर यू, प्लीज जॉइन अस, माय अवेलेबल अवेलेबिलिटी। होटलों में बहुत जान पहचान है, खाने पीने जाते हैं रेस्टोरेंट। नहीं, आप बताइए ना, आप मुझे बताइए जो बात क्या, हो रही है। क्या दोबारा पूछिए? क्या दोबारा? ठरक का मतलब पूछ रहा है कि ठरक क्या मतलब, क्या किस तरह से? अब हम वाह 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 वाह, अगर किसी के मामले में टांग अड़ानी हो तो कौन सी टांग अड़ानी चाहिए, सीधी वाली या उल्टी वाली? देखिए, टूटने का खतरा है ना, तो एक काम करें, उल्टी अड़ाते। उल्टी से बंदा चलता नहीं है क्या? उल्टी आ जाती है। अगर गिराना है तो दोनों उड़ा दें। हाँ, देखिए ना, हाँ ये बात, ये गिराना है तो दोनों उड़ा दें, आप भी गिर सकते हैं। अच्छा राफिया, लोग नजरों से गिरते हैं, आप हमारे प्यार में नहीं गिर सकते? वाह वाह वाह, मैं गिर के बाहर आ चुकी हूँ। बार बार आ चुकी हूँ मैं, बार बार बाहर आ चुकी। आपको पता है इंसान की आंखें कब खुलती है? धोखा खाने से, या वो सो के उठता है। ये भी बात सही है, ये भी सही। तो नींद कैसी है आपकी, कितनी देर सोती हैं? और कहीं भी बहुत से लोग होते हैं ना, बैठे बैठे सो जाते हैं। हाँ, मैं कहीं भी नहीं सोती, मैं भी नहीं सोती। आप पूछ के सोती, मैं सो जाऊं यहाँ कोई आएगा तो? नहीं नहीं, ऐसा उसने कहा जी मैडम आने वाले, अच्छा फिर मैं सो जाऊं, ऐसा कुछ है? मैं अपने बिस्तर पे सोती हूँ, अपने घर जाके बिस्तर पे मजा है सोने का। और सबसे ज्यादा सोना पता है कहाँ होता है? बिस्तर पे ही होता है क्या? ऑब्वियसली। और सबसे ज्यादा मजा कब होता है? बाथरूम में सो और उठो किसी और के बिस्तर से, वो तो फिर आपके साथ होता होगा। नींद में चलते हैं लोग, नींद में चलते हैं लोग भाई, कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। ऐसा तो होता है, बिल्कुल। अच्छा, अगर अगला हमारा सेगमेंट, अगला है, खाली जगह पूर करें हम आपको फिल इन द ब्लैंक्स। आपको सेंटेंस पूछेंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होगा, उसको आपको पूर करना है, और पूरा सेंटेंस दोहराना उस फिल इन द ब्लैंक्स को पूर करके। और आपके जहन में जो आ रहा हो ना वो मत बोलिएगा, क्योंकि आप काफी समझदार है। फिल इन द ब्लैंक्स से आपने उसको पूर करना है, जगह पूर करें प्लीज, लेकिन पूरा सेंटेंस बोलिए, पूरा सेंटेंस। चलिए, पहला सवाल, इंसान तो दूर की बात है, इंसान तो दूर की बात है, डैश भी प्यार से हाथ लगाने पर अकड़ दिखाता है। इंसान तो दूर की बात है, जानवर भी प्यार से हाथ लगाने पर अकड़ दिखाता है। किस बात की अकड़ दिखाता है? नखरे हो जाते हैं। आपने कभी बिल्ली को प्यार किया? पहले वो थोड़े से यूं हो रही होगी, फिर आप प्यार। हमारी बिल्ली तो शादी हो गई है ना, ऐसा एटीट्यूड आता है ना बिल्ली में। हमारी बिल्ली शुरू में किसी ने मार दी, और हमारी बिल्ली तो अंडे देती थी, सोचो बिल्ली अंडे देती थी आपके, अभी वो मुर्गी खा गई थी ना वो। आपने उसका नाम बिल्ली रखा था, ताबत होता। लेकिन आपने अच्छा जवाब दिया, जानवर जानवर, किसी को भी प्यार दिखाओ अकड़ दिखाएगा, अकड़ दिखाएगा। अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप किसी का हक दबाओ, आप किसी का डैश भी दबा सकते हो। क्या सवाल है? वाह वाह, इसके बारे में क्या? हाँ, जरूरी नहीं है कि आप किसी का हक दबाओ, आप किसी का डैश भी दबा सकते हो। हाँ, डैश में क्या? आप किसी के पांव भी दबा सकते हो। हाँ, किसी का पांव भी दबा सकते हो। पांव में दर्द हो रहा है, और वो पांव कौन सा पांव? दूसरा वाला वो जोड़ा आया था। अगला 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 ठीक है, अगला सवाल है कि लड़की अगर डैश उतारे तो लड़का डर जाता है। मेकअप, लड़की अगर मेकअप उतारे तो लड़का डर जाता है। अपनी अपनी सोचों को अच्छा कीजिए। क्या बात है, हम तो डिसेंट शो कर रहे हैं। अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, औरत पर गुस्सा करोगे तो वो अपनी जुबान खोलेगी, प्यार करोगे तो डैश खोलेगी। अब बताएं, दिल खोलेगी, दिल खोलेगी। वाह वाह वाह, सारे सवाल आप पहले पढ़ चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने लिख के दिए। हाँ, इतने मैं असल में आप लोगों को समझ गई। अच्छी ये समझ गए ना, इससे प्रोग्राम बढ़ेगा फिर हमारा। चलिए, आखिरी फिलिंग द ब्लैंक्स मेरी तरफ से। कुछ लोग जज्बात से ज्यादा डैश से खेलना पसंद करते हैं। खिलौने दीवार पे लगे होते हैं या जिस्म पे? नहीं, वो जो बच्चा खेल रहा था ना उसके साथ। अच्छा, जज्बात से ज्यादा बहुत से लोग खेलना पसंद करते हैं, बाकी जिंदगी से खेलना पसंद, जिंदगी से खेलना, जिंदगी से। इसमें जिंदगी लिखा हुआ है, इसमें जिंदगी लिखा हुआ है, कुछ और था, मैंने जिंदगी कर दिया। बहुत अच्छे राफिया, राफिया बच गई। आपने हमारी और शो की इज्जत रख ली। नहीं, आप शो में तो बच गई। अच्छा राफिया, आप क्योंकि एक डॉक्टर भी हैं, एक होस्ट भी हैं, एक एक्टर भी हैं,
तो ये बताइए कि शायरी वगैरह से कुछ आपकी दिलचस्पी है? अरे बहुत कोई मजेदार किस्म की शायरी। हम आखिर में अपने गेस्ट से शायरी पूछते हैं। हाँ हाँ, कुछ शायरी पूछते हैं जो सारे शोज का जो एक पेचीदा एक ट्रेडमार्क है शेर, तो हमने भी शेर ही रखा है जो ट्रेडमार्क चल रहा है उसको ही फॉलो करो। कि वो जो कहता था कि तुम बिन नहीं गुजारा, वो कहता था बहुत बड़ा झूठा था वो जो कहता था कि तुम बिन नहीं गुजारा, उसने चाय बनाई और हमें नहीं पुकारा। आप राफिया जी, आपको शेर अच्छा, मेरा जरूरी है कि कोई मजेदार किस्म नहीं, मजेदार थोड़ी चाहिए, जमींदार किस्म का भी हो सकता है, कोई लाइफ फिलॉसफी पे कुछ शेर हो सकता है, कुछ भी जैसे जॉन एलिया आजकल बड़े वायरल हैं। हां हां, मैं उन्हीं के कोई शेर। जो गुजारी ना जा सकी हमसे, जो गुजारी ना जा सकी हमसे, वो सैटरडे की रात थी। जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी। हाय 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 हाय, तेरी यादें कांच के टुकड़े, तेरी यादें कांच के टुकड़े, तेरी यादें कांच के टुकड़े और मेरा दिल नंगे पाओ। हाय हाय, अरे मुझे ऐसा लगा आपके पैर से गोली अंदर चली गई। मैं एक्चुअली इनके पैर कांच पे, मैं ना मेडिकली आ गई हूँ, मैंने सोचा कि दिल निकल के बाहर नीचे क्यों चलेगा। जॉन एलिया का शेर याद आ गया, क्या कहा क्या कहा क्या कहा, ख्वाब में देखा है मुझे, इसका मतलब कि सो लिया तुम। वाह 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 वाह, क्या बात क्या बात। अच्छा थैंक यू रीना। अच्छा कभी ऐसा हुआ कि आप ख्वाब में आपकी शादी हो गई और सुबह उठी तो तलाक हो गई है? हाँ ये होता है, इसकी हुई है कई दफा। अरे बाप रे, शादी सुबह तलाक तो समझ में आता है, फिर वलीमा। हां इनका समझ में आता है, लेकिन मेरे ख्वाब में सीक्वेंस चला है। पहले एक 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 ख्वाब में मैंने मेरी मेहंदी हुई, फिर अगले ख्वाब में मेरी शादी हुई, फिर उसमें वलीमा भी हुआ। अच्छा वैसे वो भी ख्वाब था। नॉर्मली आपको किस तरह के ख्वाब आते हैं? हां ये बताइए, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन? हां गीला सूखा मतलब ये कि बारिश देखती है या थर देखती है, रेगिस्तान देखती है? मेरे ख्वाब जो होते हैं बड़े साइंटिफिक ख्वाब होते हैं। मतलब क्या होता है उसमें, क्या होता है? मतलब उसमें आपको रॉकेट्स नजर आएंगे, उसमें आपको क्या कह रही हो? नजर आएंगे। अच्छा हमें तो वही ख्वाब आते, ट्रक उलट गया, छत्तीस बंदे मर गए, ये ख्वाब। रॉकेट रॉकेट्स आप न्यूज़ चैनल लगा के सुनते हैं। अच्छा ये रॉकेट क्या मतलब क्या होता है इसका, क्या लवाजमात इस तरह रॉकेट होता है, ये होता है कैसा रॉकेट, क्या होता है? मैं कभी स्पेसशिप में होती हूँ, कभी मैं एस्ट्रोनॉट बनी होती हूँ, कभी मैं चांद पे बैठी होती हूँ, कभी मैं जुपिटर प्लान कर रही हूँ, मेरे ख्वाब बड़े वियर्ड होते हैं, ऐसे ही होते हैं। आप खुद माशाल्लाह डेंटिस्ट है माशाल्लाह, तो किसी नफ्सियात के डॉक्टर को दिखा क्योंकि आपको रॉकेट नजर आ रहे ख्वाब में। अब हमें रॉकेट नजर, हमें रॉकेट लॉन्चर नजर आता है जिसमें रॉकेट जाएगा। वही करेले लिया, धनिया। अच्छा अपने एक बात ना, मैं जरूर दिखाऊंगी, आप अपने वाले का एड्रेस दे दीजिएगा मुझे। करेले वाले का? अपने वाले दिमाग के डॉक्टर का, ख्वाब का। अच्छा डरती किस चीज से? हाँ ये कॉकरोच से। कॉकरोच से तो डर, खास तौर पर उड़ने वाले बड़े बड़े, कोई मेरी चीखें निकल जाती है, उड़ने वाले निकल जाती है, मेरा तो शोर निकल जाता है भाई। नहीं मजाक में, मुझे भी कॉकरोच से ऐसा डर लगता है। और मैं वॉशरूम में जाता हूँ, कहीं होटलों में शो करने जाते हैं, कहीं गेस्ट हाउस में मिल जाता है, तो मैं वॉशरूम में जाता हूँ, इसको पता है मैं बाहर आ जाता हूँ, कॉकरोच नजर नहीं आया, इसको पता होता है उसकी स्मेल। आप नोट कीजिएगा, बिल्कुल कॉकरोच की अलग स्मेल होती है, आपको पता होता है वहाँ कहीं। नहीं वैसे अल्लाह ताला ने इसको नाक ऐसी दी, वो आप देख भी सकते हैं कितनी लंबी है। नहीं सीरियसली, ये जाते ही बता देता कि यार इस वॉशरूम में कॉकरोच है, मैंने कहा अभी देखे नहीं, कह रहा नहीं मुझे पता है, और निकल आता है वहाँ से, उसकी भी उसको पहले ये निकलता है, बाद में वो निकलता है। इनकी लंबी नाक सिर्फ कॉकरोच की स्मेल के लिए, बाकी किसी चीज नहीं। नहीं नहीं, लंबी नाक से बहुत काम ले सकता हूँ मैं, आपके दिन बुलाइएगा, ये गोलगप्पों में सुराग करता है ये। अच्छा ये पता है, अब देखो कॉकरोच की बात हो, इसकी भी उसको कह रही सुने, आते हुए कॉकरोच के लिए पाउडर लेते हुए आइएगा, ये क्या करेगा, कॉकरोच को इतना फ्री मत करो, आज पाउडर मांग रहे हैं, बॉडी स्प्रे मांग रहे हैं, ये होता है। हां तो किस चीज कॉकरोच से डरती है, उसके अलावा अंधेरे से डरती है, लिफ्ट से डरती है, ऊंचाई से डरती है? अंधेरे से नहीं, अंधेरे में तो एंजॉय करती हैं। अंधेरे में नहीं, अंधेरे को मुझे भी पसंद है, हल्की सी मोमबत्ती जली हो, एक किताब पढ़ी हो, मोमबत्ती थोड़ी बड़ी कर ले, नहीं मेरी मोमबत्ती इतनी है, मेरी मोमबत्ती मैं घर में रखता हूँ, मैं जलाता नहीं हूँ, फिर भी छोटी हो जाती है, पता नहीं आता, तो मेरी मोमबत्ती इतनी सी, तो है मोमबत्ती हो, लैंप हो छोटा सा, कुछ लवाजमात हो, गन्ने का रस हो, गन्ने का रस ला के दे रही आप ये पिए, अच्छा अगर रस ना हो सिर्फ गन्ना हो वो भी छीन निकाल के दे रही। ये शो किस तरह जा रहा है, डिसेंट और पुश जा रहा है, सवाल वही का वही है। तो आप अंधेरे में मतलब डरती नहीं है? अंधेरे से बिल्कुल नहीं डरती। अच्छा बचपन में मैं अंधेरे से बहुत डरता था, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ ना तो मैं मौका ढूंढता था यार, मैं कब अंधेरे में जाऊं यार। हां छुपन भाई खेलते थे, मैंने कहा ना मुझे आप समझ आ गए। हां मुझे समझ आ। कौन सा खेल आपको पसंद है जो आप अब तक खेल रही हो और किसी ने आपको कहा यार ये एक बंदे का खेल, ये दो बंदों का खेल? हां
ऐसे तो बहुत सारे गेम्स खेल रही हूँ उसमें भी मोबाइल पे भी चलते रहते हैं नॉर्मल जिंदगी में भी चलते रहते हैं। आप बड़ी अपनी टॉम बॉय टाइप की लड़की रही हैं मुझे ऐसा लगता है। साइकिल भी चलाई है आपने? साइकिल हाँ। मोटरसाइकिल चलाई है? नहीं। मौत के कुएं में? नहीं नॉर्मल नहीं चलाई मौत के कुएं में क्यों चलाई? राफिया का तो क्या हमने काफी शोज किए थे शी इज लाइक अ टाउन बॉय और शट अप कॉल दे देती है अच्छी बात है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि लड़कियों के पास ये हुनर होना चाहिए किस तरह वो एक 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 शट अप कॉल दे मतलब एटीट्यूड होना चाहिए जो आपने अभी तक दी थी एक घंटे में अल्लाह का शुक्र है आप लोगों को कुछ देते हुए डर लगता है। डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा लेकिन आप ये डरिए नहीं आप दे दीजिए दिल खोलकर देते हुए नहीं डरे लेते हुए डरे प्रॉब्लम ये। अच्छा क्या कह रही थी आप जाने से पहले कुछ कहना चाहती हूँ जाने से पहले जाने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में हंसते रहें मुस्कुराते रहें तो बरकत उज़्ज़मी शो कभी मिस नहीं कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आप तशरीफ लाएं। थैंक यू वेरी मच। और मैं कहना चाहता हूँ कि एक मेरा मैसेज है कि मोहब्बत में शराबी होना कमाल नहीं है। बिल्कुल मोहब्बत में शराबी होना कमाल नहीं है मोहब्बत में नमाजी होना कमाल। ये सारी मेरे पूरे शो का निचोड़ था और इसी के साथ हमारे शो का टाइम खत्म हो गया। बरकत को उज़्ज़मी को सारा को और डॉक्टर राफिया रफी को हमारी जो गेस्ट थी उन्हें इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगली दफा फिर एक नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए बरकत उज़्ज़मी शो। अल्लाह हाफिज़।